भाई मेरी बात सुन, अब की बार अगर और जिनने अपना प्रोफेशनल बनाना है, ठीक है, इन इस फील्ड में बॉडी बिल्डिंग में पहलवानी में आगे बढ़ना है, तो प्लीज इनकी बात मत मानो। तो भाई जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 4 से 5 दिन रह गए अपने कंपटीशन में, तो कुछ चेंजेस करें और वो चेंजेस। रोहित खत्री को किसके ऊपर आया गुस्सा एंड नरेंद्र यादव ने किसको किया ओपन चैलेंज, इसकी कंप्लीट अपडेट हम यहां पर लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। तो हमारी पहली अपडेट आ रही है वरदान मल्होत्रा की तरफ से। वरदान मल्होत्रा भी कुछ ही समय पहले अपनी बैक की फिजिक अपडेट देते हुए इस फोटो को शेयर करते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने कपिंग थेरेपी ली है। तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले कपिंग थेरेपी के विषय में बता देते हैं। इस थेरेपी को मैक्सिमम बॉडी बिल्डर लेते हैं। यदि उनको अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को जल्द से जल्द रिकवर करना है तो वो इस थेरेपी का यूज करके उस पार्ट को रिकवर कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट डे या 48 आवर्स के बाद वापिस से वो उस मसल को अगेन हिट कर पाते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम बॉडी बिल्डर, चाहे वो आप इंडियन बॉडी बिल्डर को देखें या फिर फॉरनर बॉडी बिल्डर को, वो कपिंग थेरेपी जरूर लेते हैं। अब हम वरदान मल्होत्रा के फिजिक के विषय में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं कि वरदान मल्होत्रा अभी अपने ऑफ सीजन में चल रहे हैं और अपने ऑफ सीजन के चलते समय वो अपने करेंट टाइम की फिजिक अपडेट शेयर करते हुए केवल अपनी इस बैक की फोटो को शेयर करते हैं, जिसमें आप यहाँ पर जब इनको बैक साइड से देखते हैं तो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो आप देखेंगे कि जो इनके बॉडी में जो फ्रेम बन रहा है वो वी शेप में बन रहा, जो कि मेंस फिजिक डिवीजन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। इसी कारण से वरदान मल्होत्रा को जब अभी नवंबर मंथ में अमेचर ओलंपिया हुआ था तो उसमें इनको ओवरऑल प्रो कार्ड विनर चुना गया था और उसके कुछ समय ही बाद भारत प्रो शो हुआ था जिसमें इनको टॉप 3 में रखा गया था। तो दोस्तों इनकी जो बॉडी का फ्रेम है, बॉडी की जो कंडीशन है एंड जो बॉडी में मसल मास है, इसके चलते आज ये प्रेजेंट टाइम में भारत के बेस्ट मेंस फिजिक डिवीजन बॉडी बिल्डर में से एक चुने जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या वरदान मल्होत्रा 2024 में ओलंपिया क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर हैं सुनील जाधव। सुनील जाधव भी अपने करेंट टाइम की फिजिक अपडेट शेयर करते हैं, इस फोटो को शेयर करते हैं जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने अपनी कंप्लीट फिजिक को हाइड करके रखा है। केवल आप यहाँ पर उनके बॉडी के कुछ ही पार्ट को देख के उनके बॉडी की कंडीशन का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि उनके आर्म्स का साइज देख सकते हैं, शोल्डर, बाइसेप एंड फोर आर्म्स की कंडीशन, प्लस आप यहाँ पर उनके चेस्ट में मसल मास के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि उनकी बॉडी की कंडीशन किस लेवल पे होगी। इसके अलावा यहाँ पर सुनील जाधव कैप्शन में लिखते हैं, यू कांट विन अनलेस यू लर्न हाउ टू लॉस। जैसे कि आप सभी को पता है कि सुनील जाधव ने अभी नवंबर मंथ में भारत प्रो शो में 212 डिवीजन से पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें सुनील जाधव टॉप 5 में सिलेक्ट नहीं हुए थे। आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सुनील जाधव को जहाँ तक हो सका था उस लाइनअप में एकदम साइड में ही रखा गया था। और हमने आपको पहले ही बताया था कि सुनील जाधव की जो प्लेसिंग आई थी वो आई थी 7 नंबर पे। और आप यहाँ पर इस लाइनअप में भी देख सकते हैं कि सुनील जाधव को सभी बॉडी बिल्डर से साइड करते हुए एकदम कॉर्नर साइड में यहाँ पर रख के बाकी बॉडी बिल्डर के साथ उनकी कंपेयरिंग की जा रही थी। तो दोस्तों इसी बात को यहाँ पर शायद सुनील जाधव इनडायरेक्ट रूप से कह रहे, यू कांट विन अनलेस यू लर्न हाउ टू लॉस। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या सुनील जाधव भारत प्रो शो से काफी कुछ सीखने के बाद अब वो जब भी अपने नेक्स्ट प्रो शो में पार्टिसिपेट करेंगे या तो वो इंडिया में होने वाले जून मंथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर वो अदर कंट्री में खेल सकते हैं। वैसे आप लोग क्या लगता है, क्या सुनील जाधव इंडिया में ही खेलेंगे या फिर वो अदर कंट्री में जाके खेलेंगे? चलिए वो किसी भी प्रो शो में खेले, चाहे वो इंडिया में खेले या फिर अदर कंट्री में, हमको तो सुनील जाधव से केवल जीतने की उम्मीद है कि वो इस साल 2024 में 212 डिवीजन से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाए। दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या सुनील जाधव हमको ओलंपिया में 212 डिवीजन में 2024 में पार्टिसिपेट करते हुए दिख सकते कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएगा एंड आप सभी को सुनील जाधव के लिए बेस्ट विशेष जरूर करिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है अभिषेक यादव। अभिषेक यादव भी अपने रिसेंट टाइम की फिजिक अपडेट शेयर करते हुए इस फोटो को शेयर करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिषेक यादव शेडेड एंड रिप्ड दिख रहे हैं, जबकि अभिषेक यादव यहाँ पर टोटली अपने ऑफ सीजन में चल रहे हैं और यहाँ पर वो अपने कैप्शन भी कहते हैं, गेटिंग हैवी डे बाई डे। तो दोस्तों आप लोगों को अभिषेक यादव की इस कंडीशन को देख के क्या लगता है, क्या अभिषेक यादव अपने उसी पुराने फॉर्मेट में चल रहे हैं जब वो मुकेश सिंह गहलोत एंड
ओमर वेंचुरा के अंडर में रहकर अपने प्रेप की तैयारी करते थे। उस समय भी अभिषेक यादव के ऑफ सीजन में जो उनके एप्स थे वो अच्छी तरह से वहां पर विजुअल होते थे, और आज आप यहां पर देख सकते हैं कि अभिषेक यादव ने अपना कोच चेंज कर दिया, लेकिन इनके बॉडी में जो वेंस है वो अच्छी तरह से पॉपअप हो रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग क्या लगता है, क्या अभिषेक यादव अपना इस साल का ऑफ सीजन अच्छी तरह से कर पाएंगे कि नहीं, या फिर वो कंटेंट के चक्कर में वो अपना ऑफ सीजन एकदम कम्प्लीटली बल्किंग मोड में ना करते हुए हल्का सेडेड फॉर्मेट में रहते हुए करेंगे? आप लोग क्या लगता है, क्या अभिषेक यादव में कुछ इम्प्रूवमेंट इस साल हो पाएगी कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते, तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है नितिन चंडीला की तरफ से। जैसे कि हमने आप सभी को बताया था कि नितिन चंडीला 5 जनवरी को सतीश सुगर क्लासिक में पार्टिसिपेट करने वाले, तो उसी से रिलेटेड वो यहाँ पर अपने करंट टाइम की फिजिक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि इनका प्रेजेंट टाइम में वेट है 112 से 113 केजी के आसपास, और इनकी बॉडी की कंडीशन आप यहाँ पर इस वीडियो के एक छोटी सी क्लिप में देख सकते हैं। यहाँ पर नितिन चंडीला केवल अपना मिड सेक्शन ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, एंड हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि नितिन चंडीला सतीश सुपर क्लासिक केवल इस कारण से पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी कैश प्राइज है, जिसको जीतने के बाद नितिन चंडीला अपने टोटली ऑफ सीजन में चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नितिन चंडीला ने अपनी बॉडी की कंडीशन के विषय में क्या कहा उसको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद नरेंद्र यादव ने किसको रिप्लाई किया, प्लस रोहित खत्री किसके विषय में कह रहे हैं, इन सब चीज का कंप्लीट वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी बॉडी बिल्डिंग के अपडेट्स पाने के लिए। प्रोटीन छोड़ के सत्तू खाना शुरू कर देते सत्तू के वो देखी थी मैंने एक वीडियो कि भाई सत्तू खाए करो, प्रोटीन की जरूरत ना है। भाई देखो, पहले बता दूं मैं, मेरा इन तक कोई कंट्रोवर्सी करने का या इनके प्रति मेरा कोई वो नहीं है, दिल में छो या दवेश कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सच बात है वो तो बतानी पड़ेगी जो तुम नहीं बताते हो। तो भाई ये जो भी है, जो ये कोच है और जो ये तुम कह रहे हो चूरमा चार मार भाई सपाटे, तो भाई देख मैं ना तीन प्रकार के लोग करे हैं, ये तो खाली थोड़ी बहुत कर ली बस अंडा फिरा, ठीक है। एक रवा है कि भाई मैं अपनी फिटनेस पर रखूँ ध्यान, मैं फिट दिखूँ हमेशा, और तीसरा है प्रोफेशनल। तो भाई जो अपनी फिटनेस रखने वाले हैं वे आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो इसको प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग से चाहते हैं या फिर इवन पहलवानी भी करना चाहते हैं, कोई भी गेम करना चाहते हैं, तो भाई उनको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, प्रॉपर वर्कआउट फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अकेला खाली सपाटा मार के पहलवान बन जाएगा भाई, वो पूरे दिन सपाटा ही मारता रहे है, एब्स भी है उसके, बॉडी वेट तो पता ना कितना है उसका, पर पूरे दिन ही वो ये देखा कर रहे हैं। यार बॉडी वेट भी तो होना चाहिए, कितना बॉडी वेट होगा उसका, और उसने उसकी 75 होगा उसका, उसने छोड़ तू जो भी ये कर रहे हैं कोचिंग कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं सत्तू या चूरमा, उनने कितनी ग्रोथ करी है भाई, वे लेके वे ग्रोथ क्यों ना करते, हम करा हमारे साल ग्रोथ दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। और इवन पहलवान है वे मेडल दिखा रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, कौन सा रहा भाई सुन लो ही पहलवानी की, कई तो थारे खिलाड़ी है इंटरनेशनल, जो सप्लीमेंट स्टोर नहीं सप्लीमेंट ब्रांड खोल दिया जिन्हें, अपना कंपनी खोल दी है और दुनिया भर के पहलवान सप्लीमेंट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इवन यो नीरज चोपड़ा है वो इसकी प्रोटीन की ऐड करने लग रहा है, ये की करते हम सप्लीमेंट का ऐड ना कर धर्मात्मा हो गए, कुछ ना इन्हें बेरा प्रोटीन का ऐड कर लिया फिर के दिखाओगे जीरो हो जाएंगे जीरो, फिर कौन देखेगा इन्हें, ये तो ये भड़ौरे से हैं, और कि भाई देसी ये और वो हवा बना रखा है। पहले बता दूँ जिनने फिटनेस रखनी, फिर बताऊँ जिनने फिटनेस रखनी है वे भलाई फॉलो कर लो, क्योंकि उनका कुछ बिगड़ना ना, उनका कुछ बिगड़ना ही नहीं, जिनने केवल फिटनेस रखनी उनका कुछ नहीं बिगड़ना, और जिनने अपना प्रोफेशनल बनाना है, ठीक है, इन इस फील्ड में बॉडी बिल्डिंग में पहलवानी में आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ इनकी बात मत मानो, कोच हो डाइटिशियन हो उनकी बात मानो, के लेना है डाइट में, नीरज चूर में तो पहलवान बनना बना जाता भाई और ना बॉडी बिल्डर बना जाता, और इनका तो ये वीडियो बना हुआ है और ये तो नू है, नू खा लिया वो खा लिया, जिनके नू बहम हो ना सिवा खाए पिए तो बन रहा है, एक बार एक सेशन मेरी गला वर्कआउट कर लियो बेरा लग जा कितनी मेहनत हुआ। यो चीज तो है, उनने भी भाई वेट तो ना बढ़ाते हुए 75 किलो ही है उनमें, यार के ग्रोथ तो ना कर पाते हुए। सुन मैं किसी एक को टारगेट नहीं करता, कोई भी जो ये है उनमें प्रोग्रेस बता दो, अरे मैं सुन या और भी कोई है जो ठीक को होगा, मन ने भी ठीक मतलब जो और भी है वे अपने में पहले अपने में
करेंगे, आप ना अपनाओगे जब भी, तो बताओगे कि भाई तुम मेरा देख यहाँ था मैं और यहाँ आ गया। ये के कर रहे हैं जब तक उनने स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब उनकी खुद की जरूरत है ना। वे दिखे तो सारे सेम ही है, उनमें कुछ चेंज तो नजर ना, उससे नजर ना आ रहा है ना। भाई वो है ना, उसने वीडियो देखी कि चूरमा खाकर खाते और उनमें के खाली चूरमे से कर देंगे कार्रवाई। अरे भाई एक वो मन्नी भी देखी थी भाई एक वीडियो, वो थाली में अपने गाल रहा है चूरमा रोटी। अरे भाई कोई रोटी रोटी खाती आना कोई डंड मारे कहते मेरे भाई, भाई तेने तो दो या चार या पांच डंड मार ली, अपर तेरे फॉलोअर्स उन्हें देखते होंगे वे तो 40 50 100 मार देंगे खाकर, भैया नुकसान भी दे जाएगा ठीक से। तो गलत चीज मत फैलाओ, देखो मेरा कोई दुश्मनी का ना है, तुम खूब तरक्की करो, थारे फॉलोअर्स खूब बढ़े हैं, पर गलत चीज मत फैलाओ। गलत चीज फैलाओगे तो मेरे जिसे भैया ने बोलना पड़ेगा, फिर तुमने लगेगा बुंडा, अरे भाई लग गया तो लग ही जाओ, सच बात बतानी पड़ेगी ठीक से। तो भाई जो भी ये फॉलोअर्स है, इनके जो भी ये है फॉलोअर्स है, फॉलो करो, लेकिन अपना दिमाग भी लगाओ कि ये चीज सही है कि ये चीज सही नहीं है ठीक है, दिमाग पर ध्यान दो फिर फॉलो करो। भाई मेरी बात सुन, अब की बार अगर न्यू ईयर पे प्लान बनाए ना कि बढ़िया बॉडी बनाऊंगा, डेली जिम जाया करूंगा, बढ़िया डाइट फॉलो करूंगा, बाहर का तला पला खाना छोड़ दूंगा, अगर फॉलो नहीं हो पाता हो ना तो रहने दिया करो। न्यू ईयर का वेट करते हो, फिर इतना वीक माइंड सेट है कि न्यू ईयर का वेट करना पड़ रहा है अपनी बॉडी को बनाने के लिए। लोगों को मंडे का वेट करना पड़ रहा है, मंडे से जाऊंगा, लोगों को वेट करना पड़ रहा है कि महीने की पहली तारीख से जाऊंगा। अरे भाई क्या हो गया, आज से क्या हो गया, आज से ही करो ना बॉडी पे ध्यान है, आज से ही जाओ जिम, आज से ही बढ़िया डाइट लो भाई, पार्क में जाओ घूमो, मतलब कुछ तो करो। ये कब तक ये बॉडी को देख के बोलोगे कि नहीं भाई अब से बढ़िया बॉडी बनाऊंगा। ध्यान दो भाई खुद पर, तुम्हारा भाई है ना, लव यू ऑल।